नमस्कार, मैं हूं विवेक। इस वक्त की एक बड़ी खबर जान लीजिए। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा। विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी, 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। नई संसद में ये स्पेशल सत्र जो संसद का है वो बुलाया गया है। नई संसद में स्पेशल सत्र होगा, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें होनी है। 18 से 22 सितंबर के बीच में 5 बैठकें होंगी। और यह खबर भी है कि 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे इसमें। और जो ये स्पेशल सेशन होगा ये नई संसद में होगा। नीरज पांडे जुड़े हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। नीरज, स्पेशल सेशन बुलाया गया अचानक से, 10 से ज्यादा बिल पेश होंगे, कौन कौन से बिल हो सकते हैं? देखिए, अभी ये चर्चा समझ में नहीं आया कि कौन से इम्पोर्टेंट बिल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार एक महत्वपूर्ण बिल है जो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, इस बिल को लाया जा सकता है। और दूसरा जो यूसीसी की चर्चा है कि यूसीसी को भी शायद लाया जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार 5 सितंबर को इसे पेश करने जा रही है अपने विधानसभा में, और वहाँ से पास होने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में लागू होने के बाद यहाँ पर भी सेंटर की तरफ से भी उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और बाद में उसको फॉर्मल तौर पर सेलेक्ट कमेटी या राज्यसभा में पेश करके पास कराया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट, चूंकि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। लॉ कमीशन ने अपनी ओपिनियन सबसे ले ही ली है, लॉ मिनिस्ट्री उस पर तैयारी कर ही चुका है। तो 2 महत्वपूर्ण बिल है, और खुद मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है कि ए न्यू बिल, एक नया बिल, मतलब कोई महत्वपूर्ण बिल है जिसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके अनुसार ये भी है, चूंकि G20 एक बड़ा आयोजन हो रहा है देश में, और G20 आयोजन जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सत्र के माध्यम से देश की जनता को G20 में क्या कुछ रहा उसके बारे में भी आल पार्टी, जब सभी सांसदों और पूरी संसद के सामने उस मुद्दे को रखा जाएगा, और वहां पे भी इस बात की चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण बात सिर्फ 2 ही नजर आ रही, एक तो ये कि सरकार की तरफ से 10 से ज्यादा बिल ऐसे हैं जिनको लिस्ट किया गया है, जिन पर तैयारी है सरकार की, लेकिन महत्वपूर्ण बिल उसमें यही लग रहा है जो जानकारी आ रही है, एक तो महिला आरक्षण का बिल है, क्योंकि चुनाव भी है अगले साल और महिला आरक्षण का बिल बहुत महत्वपूर्ण है। जी नीरज, आप काफी अहम जानकारी दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष कुमार सिंह भी हमें दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आशीष, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल पूरे हो गए हैं, उसका जश्न तो मना ही रहे हैं हम, और उसी में ये सत्र भी बुलाया गया है। नीरज जैसे जानकारी दे रहे थे कि कई और बिल पेश किए जा सकते हैं, आशीष आपके पास आएंगे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी बोलने लगे हैं, पहले उनको सुनाते हैं दर्शकों को। अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पे जुड़े हैं। अधीर रंजन चौधरी, अधीर जी, ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है सरकार के द्वारा, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये तो मैं भी सुन रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से तो अभी बताया नहीं गया है। मान लीजिए आधिकारिक रूप के चलते में ये कहना चाहते हैं कि फोन पे या कुछ मतलब नोटिस या कोई गैजेट, जो जो हमारे आधिकारिक रूप कहते हैं हम लोग, इस तरीके से ये नहीं बताया गया। फिर भी सुनता है, आप जब सुन रहे हैं तो सही होगी जरूर, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या इमरजेंसी स्थिति पैदा हो गए कि अचानक ये सदन बुलाने पड़े, क्योंकि शीतकालीन सत्र तो होने वाले हैं और नवंबर दिसंबर में, पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, लेकिन हमारे पास इस समय की इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता मोदी जी की कोई नया सोच होंगे, पुराने बिल्डिंग छोड़ के नया बिल्डिंग जाना, पूजा पाठ करना वगैरह वगैरह, कोई धमाकेदार कुछ करना, हो सकता उनकी अपना अपना कोई सोच हो सकते, हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है अधीर जी, लेकिन थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन अधीर जी, ये भी खबर आ रही है कि इस सत्र में कुछ नए जो बिल हैं वो पेश किए जा सकते हैं, और इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो भी बनकर तैयार हो गया था उत्तराखंड में, तो हो सकता है कि यूसीसी भी आ जाए। बहुत कुछ आ सकते, मैं तो ये कहता हूं ना, क्योंकि चुनाव है दिसंबर महीने में, चुनाव के मद्देनजर ये सरकार नया नया कुछ तरीका अपनाएंगे लोगों को गुमराह करने के लिए, और तरह तरह की
हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे तनाव पैदा करने की इनकी मंशा होगी और विवादित बहुत कुछ लाया जाएंगे, क्योंकि अपने उनकी आज आम लोगों की जो तकलीफ है, ये आम लोगों की तकलीफ से निगाह हटाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि उसको चुनाव की सामना करना पड़ेगी और उनकी हाल ये जो चुनाव होने वाला है सुबह की 4-5 सुबह 5-6 सुबह में जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी के हाल खस्ता होते जा रहे हैं। इसके चलते ये नया कोई तरीका अपनाते हुए लोगों को गुमराह करने की सारे प्रयास किए जाएंगे, ये मैं बिल्कुल कहना चाहते हैं। ठीक है अधीर जी, आपने अपनी बात रखी, एबीपी न्यूज से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बीजेपी से जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, सीधा आपको उनके पास लिए चलेंगे। जफर जी, आपको जफर जी फोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। जफर जी, ये जो अचानक से सत्र बुलाया गया है, स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है, इसमें कौन से बिल पेश किए जाने हैं? देखिए, ये स्पेशल सेशन है, अमृतकाल का समय है, ये लोगों के लिए उत्साह का समय है और ऐसे में पिछले सेशन में बहुत सारी चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिए मेरे ख्याल से जो फैसला लिया है, जो ट्वीट भी किया है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने साहब ने प्रहलाद जोशी जी ने, कि ये 4 दिन का 18 से 22 तक 5 अहम सेशन होंगे और इस पे अच्छी बात है कि स्पेशल सेशन बुलाया गया ऐसे समय पे जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, देश आगे बढ़ रहा है, देशवासी मजबूत हो रहे हैं, देश मजबूत हो रहा है और ऐसे में कुछ अहम चर्चा और डिबेट होनी चाहिए देश में, इसलिए सत्र को बुलाया गया है। जफर इस्लाम साहब, अभी आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज से अधीर रंजन चौधरी जी जुड़े हुए थे, तो वो भी ये बात कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इतनी क्या जल्दी थी? अधीर रंजन चौधरी का ये बयान है कि इतनी क्या जल्दी थी, जब शीतकालीन सत्र होने ही वाला है तो उसके पहले ये क्यों सेशन बुलाया गया है, उनकी भी जिज्ञासा है। देखिए, उनकी जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन देश, उनको समझना पड़ेगा कि देश आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया भारत की तरफ, भारत की ओर देख रहा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, आज दो ही चीज भारत के बारे में बात होती है, एक तो अभी आजकल पूरे दुनिया में जो चर्चा हो रही है कि जो चंद्रयान किस तरह से सेफ लैंडिंग उसकी और सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है वहां पर, और दूसरी की भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसे में देश के हित में अगर कोई ऐसा स्पेशल सेशन बुलाया गया है तो जाहिर है अहम चर्चा होगी और सबको उसका स्वागत करना है। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इसमें कोई अभी जानकारी नहीं, लेकिन जब जाहिर है जब ऐसी चर्चा होती है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर चर्चा कर डिस्कशन होता है और उससे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सबसे चर्चा करते हैं, तो जाहिर इसकी जानकारी आने वाले वक्तों में जरूर हो जाएगी। यूसीसी भी इसमें आएगा क्या? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट इस पर डिस्कशन होगा या कौन से बिल होगा या किस चीज पे डिबेट होगा, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जरूर बात कह सकता हूँ इस वक्त जितनी जानकारी के हिसाब से कि इस उभरते हुए देश, मजबूत देश जी में बार बार ऐसी चर्चा होनी चाहिए जो देश के हित में हो और देशवासियों के हित में हो। ठीक है जफर इस्लाम साहब, आपका ऑपोजिशन को इस पे जिज्ञासा से ज्यादा इसका स्वागत करना चाहिए और इसको पूरे तौर से बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप एबीपी न्यूज से जुड़े। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।